महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट पर नामांकन भरने के आखिरी दिन यानी आज भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा ने नामांकन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया और पालघर डांडेकर ग्राउंड से रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष भरत राजपूत समेत भाजपा, एनसीपी, शिवसेना व महायुति के अन्य पार्टियों के तमाम नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं अगर हम पालघर लोकसभा सीट की बात करें तो पालघर लोकसभा सीट से कहने को दर्जनों उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन इस सीट पर भाजपा, बहुजन विकास अघाड़ी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, इन तीनों उम्मीदवारों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आज नामांकन के दौरान जो है बहुजन विकास अघाड़ी और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, वोट देने वालों आपा को मत भूल, दिल है दिमाग है झोल दीजिए, एक बार आप लोग फिर वापस होकर विकास अघाड़ी को मौका दीजिए। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा ने कहा कि हमारी महायुति ने काफी विचार विमर्श के बाद जो है मुझे उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रचार में हम पीछे नहीं हैं। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, पालक मंत्री रविंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष भरत राजपूत समेत जिले के अन्य नेताओं ने तय किया था कि भले ही उम्मीदवारी तय नहीं हुई है उसके बावजूद हमने प्रचार शुरू किया था। भले ही हमारी उम्मीदवारी की घोषणा जो है लेट हुई है, लेकिन हम हमारे प्रतिद्वंदी पार्टियों से प्रचार में पिछड़े नहीं हैं। साथ ही उन्होंने सांसद राजेंद्र गावित की नाराजगी को लेकर कहा कि वह नाराज नहीं है, वह हमारे साथ हैं। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारी नहीं मिलने से सांसद राजेंद्र गावित जो है वो नाराज चल रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए भाजपा और शिवसेना के नेता जुटे हुए हैं। हमारी जो महायुति है उसमें बहुत विचार विमर्श के साथ बाद में ये उम्मीदवारी तय हुई है।
लेकिन हमें महायुति जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक महीना पहले हमने प्रचार शुरू किया था। हमारे राज्य के नेता देवेंद्र जी, अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुड़े और पालक मंत्री रविंद्र चौहान थे, बाद में हमारे प्रभारी रानी द्विवेदी मैडम, हमारे जिलाध्यक्ष भरत भाई राजपूत, महेंद्र पाटिल, राजन नप्पा, और जैसे हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे उम्मीदवार अगर तय नहीं हुआ है तो प्रचार शुरू होना चाहिए, इसलिए हमारी महायुति की सभा 1.5 महीने पहले हो चुकी थी। उसके बाद में हमने तालुका निहाय सभा ली, मीटिंग ली थी, उसके बाद गट निहाय, गण निहाय, और अभी बूथ पर प्रचार शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई डर नहीं है। राजेंद्र गावितांच्या नाराजीचा फटका तुम्हाला बसेल का? माझ्या मते राजेंद्र गावित साहेब नाराज नाही आहेत, त्यांचा कोणताही फटका मला बसणार नाही। वसई विरार शहरी क्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी? वसई विरार में जो नागरी असुविधा है तो वो पानी की समस्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पानी जाता है डैम के तरीके से वो सब ग्रामीण एरिया से जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे उपलब्ध होगा और साथ में ग्रामीण एरिया में भी पानी उस डैम के जरिए मिलेगा, वो हमारा निश्चय रहेगा। सर, जैसा देखा जाए कि उम्मीदवारी डिक्लेयर करने में काफ़ी वक्त लगा है, जिसमें आपकी प्रतिद्वंद्वी पार्टियाँ जो हैं उनका काफ़ी चुनाव प्रचार आगे गया है, तो आपको नहीं लगता कि आप चुनाव प्रचार में आप लोग पिछड़ गए हैं अभी? हम कोई पीछे नहीं है, बीजेपी का संगठन बूथ स्तर पर है, हमारी पूरी कमेटियाँ रेडी थी और वो प्रचार शुरू हो चुका था। उसके बाद में जो हमारे सहयोगी पक्ष है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, श्रमजीवी है, RPI है, कुंभी सेना है, राष्ट्रवादी है, सबके अलग अलग संगठन है, और महायुति में जैसे निर्देश दिया था बूथ स्तर पर काम शुरू होना चाहिए, तो वो स्तर पर काम जो है 1 महीने पहले शुरू हो चुका था, इसलिए प्रचार में उनसे ज़्यादा आगाड़ी हमने ली है, ऐसे मैं को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।